नमस्कार, करेंसी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार। कल के सेशन की अगर बात करें तो कल के सेशन में हमने देखा यूएसडी आईएनआर फिर से एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। नो डाउट दिन के सेशन में हमने डॉलर की गिरावट के चलते रुपी को 7350 तक का भी लेवल छूते हुए देखा, बट वापस रिकवर होकर 7366 पे क्लोज हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा 7350 का सपोर्ट और 7380 का रेजिस्टेंट। जब तक प्राइजेस इस रेंज के बियॉन्ड नहीं जाता है, मार्केट एक दायरे में ही रहेंगे। डॉलर हमने 90 का लेवल तोड़ते हुए देखा, 2.5 साल के लोअर स्तर पे पहुंच चुका है, जिसके चलते यूरो जीबीपी जेपीवाई सभी में हमने तेजी आती हुई दिखी। यूरो इनफैक्ट शॉर्ट कवरिंग के चलते 90 का लेवल रीगेन करते हुए दिखाई दिया। यूरो में हमने देखा डॉलर का जो फॉल है और साथ में कोविड रिलीफ मेजर्स को लेकर जो स्पेंडिंग बिल पास होना है, उसका भी एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट मार्केट में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो यूरो और जीबीपी दोनों को ही तेज करता हुआ दिखाई दे रहा था। 90 के ऊपर यूरो और 100 के ऊपर पाउंड हमने आते हुए देखा। इनफैक्ट जेपीवाई भी 7150 के करीब जाता हुआ दिखाई दिया, जिस ढंग से गोल्ड में तेजी बनी है और डॉलर में जो गिरावट है। साथ में हमने मैन्युफैक्चरिंग के पीएमआई के आंकड़े जापान से आते हुए देखे, वो भी काफी स्ट्रांग थे। ये सब कारण की वजह से हमने येन में एक तेजी बनते हुए देखी। आज के ओपनिंग की अगर बात करें तो अगेन एक रेंज में ही मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 7360 के करीब ओपन होगा। दिन के सेशन में हो सकता है 7350 से 55 का एक लो बनाता हुआ दिखाई दे, बट एंड ऑफ द डे फिर से मार्केट में रिकवरी आएगी और 7370 के करीब हम क्लोजिंग आते हुए देखेंगे। डॉलर काफी इंपॉर्टेंट जंक्चर पे है, वैसे काफी वीक है, बट थोड़ा आज फ्राइडे है, फ्राइडे में हम लोग जनरली लो लेवल पे शॉर्ट कवरिंग डॉलर में देख सकते हैं इफ डेटा पॉइंट प्रोवाइड सम सपोर्ट। एल्स अगर हम यूरो की बात करें तो ओपनिंग तो 90.15 के करीब होगी। 90.20 90.30 तक का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंट है, वहां तक छूने के बाद फिर से पुल बैक दिखा देगा। सिमिलरली 140 150 तक का लेवल मैक्सिमम हम देख पाएंगे पाउंड में। ओपनिंग नो डाउट वीक दिखा रहा है और अगर 100 के नीचे कंटिन्यू रहता है और 140 का लेवल ब्रीच नहीं करता है तो एक फॉल दिखा सकता है 99.20 के लिए, क्योंकि ब्रेक्सिट को लेकर कंसर्न अभी भी बने हुए हैं। जेपीवाई में भी हमने काफी टाइम देखा है 7150 के ऊपर प्राइसेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। कल भी हमने देखा 7150 के करीब गया और सस्टेन नहीं कर पाया। आज की ओपनिंग वीक होगी 7120 के करीब और प्राइसेस करीबन 71 का सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। 71 का लेवल तोड़ता है तो 70-70 तक के भी लेवल हम देख सकते हैं। इंटरनेशनल में विक्स में बढ़ोतरी होना है, जिसके चलते आज इक्विटी मार्केट में थोड़ा दबाव रह सकता है। डेटा पॉइंट की अगर बात करें, जापान से नेशनल कोर सीपीआई के आंकड़े आ चुके हैं जो इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन है। यूके से कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा अच्छा आया है। जापान से मॉनेटरी पॉलिसी और साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसका आउटकम इंपैक्ट कर सकता है करेंसी पे। वहीं अगर यूएस से बात करें तो आज करंट अकाउंट का डेटा और लीडिंग इंडेक्स का डेटा आना है, जो कहीं ना कहीं डॉलर के लिए थोड़ा सा खराब बता रहा है, तो डॉलर में आज भी बिकवाली जारी रहेगी। चार्टिकली अगर देखें तो यूएसडी आईएनआर 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे इचिमिको क्लाउड के अंदर है, जो इनडिसीजन बताता है, मतलब मार्केट किस तरफ जाएगा कोई क्लियरिटी नहीं है। तो एज ऑफ नाउ 7350 से 7375 का जो रेंज है, इसी रेंज में यूएसडी आईएनआर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। जबकि यूरो के अंदर कप एंड हैंडल पैटर्न बना है, इचिमिको क्लाउड के ऊपर है और प्राइजेस 90 के ऊपर है। नो डाउट ब्रेक्जिट को लेकर कोविड को लेकर कंसर्न्स काफी है। एज ऑफ नाउ वी कैन से कि जब तक प्राइजेस 8950 के ऊपर मेंटेन है, ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, दैट कुड लीव प्राइजेस टुवर्ड्स 91 लेवल आल्सो। तो ओवरऑल आज मार्केट में थोड़ा संभल के ट्रेड करना है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी की